गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स. इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू डिस्कस द अनदर फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म और समटाइम इट इज नोन एज द कैनोनिकल फॉर्म. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इक्लान फॉर्म के बारे में चर्चा किया था. इस वीडियो में हम लोग जो है नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे. अगर हम नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म के बारे में देखें तो किसी भी मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से चार तरीके से बदल सकते हैं. दिस इज आई आर, दिस इज जीरो जीरो जीरो, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जीरो, ठीक है. दिस इज सेकंड, दिस इज आई आर स्लॉट जीरो, ठीक है. नंबर थर्ड, दिस इज आई आर, दिस इज स्लॉट जीरो. और नंबर फोर, केवल आई आर. क्या मतलब है आपका? अगर आप पहले को देखें तो ये हो जाएगा आपका वन जीरो 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 वन जीरो जीरो, ठीक है. और दिस इज जीरो जीरो वन जीरो 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 जीरो. इसको आप लिख सकते हैं क्या? दिस इज आई थ्री और इधर भी जीरो, नीचे भी जीरो, इधर भी जीरो, ये आपका हुआ, ठीक है. दूसरे फॉर्म को देखें तो ये हो जाएगा वन जीरो 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 जीरो, सॉरी वन जीरो 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 वन जीरो. तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? दिस इज आई थ्री स्लैश जीरो, ठीक है. नेक्स्ट हम देखें तो दिस इज वन जीरो 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 वन जीरो 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 जीरो. इसको आप क्या लिख सकते हो? दिस इज आई टू और ये जीरो आइडेंटिटी, ठीक है. और एक हो सकता है आपका दिस इज सॉरी वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन. इसमें कुछ कन्वर्जन नहीं, दिस इज आई थ्री. तो हम इन्हीं चार फॉर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है. मतलब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से अपने गिवन मैट्रिक्स ए को इनमें से किसी एक फॉर्म में, वो आप नहीं कन्वर्ट करेंगे, जैसे कैलकुलेशन होता जाएगा, मतलब कुल मिला के ए को आइडेंटिटी में ट्रेवल कराने का प्रयास होगा. अगर आप ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इस आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होगा वही उस ए का रैंक कहलाएगा. आइडेंटिटी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है. आई आर का मतलब आर क्रॉस आर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है. तो आप गिवन मैट्रिक्स ए को इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर, इनमें से किसी एक में कन्वर्जन हो जाएगा और इस आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर इस ए का रैंक कहलाएगा, ठीक है. अभी मैंने इक्लान फॉर्म में बोला था कि आप जो है इक्लान फॉर्म में आप केवल रो ऑपरेशन का यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज और सबसे उपयोगी चीज यह है कि आप इसमें साइमल्टेनियसली रो और कॉलम दोनों का, मतलब कुछ में आप रो करिए कुछ में आप कॉलम करिए, ये आपकी इच्छा. अगर आप ऐसा करेंगे तब भी कोई इसके रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. मतलब आप कुल मिला के ये मोटी मोटा समझिए कि आप नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में रो और कॉलम दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. तो फिर से समझिए, आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, आप एलिमेंट्री रो और कॉलम दोनों का इस्तेमाल करते हुए इन चारों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे और आफ्टर कन्वर्टिंग जो आइडेंटिटी का ऑर्डर होगा वही उस दिए गए मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा. इन सब का मतलब यहां पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है. तो अभी जब आप न्यूमेरिकल डेटा लेंगे तो और बेहतर ढंग से क्लियर होगा. बस उद्देश्य अपना ट्रांसफर करके कोई भी मैट्रिक्स होगी उसको आइडेंटिटी, मतलब उसको आपको आइडेंटिटी में लाने का प्रयास, आइडेंटिटी मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट बन जाते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसमें लाने का प्रयास होगा. अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ऑर्डर होगा उसी आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है. तो मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन कंसीडर करने जा रहा हूं. इसमें मैं बहुत पहला सवाल जो है एक कंसीडर करने जा रहा हूं, बड़ा अच्छा सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा कि इसको हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर एक लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है.
इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. ये आपका मैट्रिक्स क्या है, दिस इज ए इज इक्वल टू दिस इज थ्री, दिस इज थ्री, दिस इज टू, दिस इज माइनस वन एंड दिस विल बी फोर, दिस इज टू, दिस इज सिक्स, ठीक है, और दिस इज सेवन, दिस इज फोर और दिस इज फाइव, सेवन फोर फाइव, ठीक है. इसमें आप चाहे तो इधर से जीरो करना शुरू कर दें या फिर कॉलम से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि केवल डायगोनल के एलिमेंट ही दिखने चाहिए, ठीक है. तो हम मान लीजिए ये आपका C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 रो है, ठीक है, यही है. इसका रैंक निकालना है, ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 3 है, तो निश्चित तौर पर जो इसका रैंक आएगा किसी भी फॉर्म से वो 3 से 3 के बराबर, 3 छोटा. दूसरा तरीका ये है कि अगर नॉर्मल फॉर्म नहीं दिया तो आप इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं, और अगर लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर की डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाती तो वही उसका रैंक हो जाता, लेकिन अगर उससे कम हो जाता, मतलब अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो होता तो आप सेकंड ऑर्डर पे विचार करते हैं, और अगर सेकंड ऑर्डर भी जीरो हो जाता तो आप वन ऑर्डर पे विचार करते हैं, तो वो दूसरा मेथड. लेकिन यहां पर नॉर्मल फॉर्म से, तो उद्देश्य क्लियर रखिएगा, इसको इसको पहले जीरो करो, फिर इसको इसको जीरो करो, तब ना आइडेंटिटी तरफ रेस करोगे, तो आप करो दोनों ऑपरेशन का यूज कर सकते हो. अगर ये वन हो जाए तो इस इन दोनों को जीरो करना आसान है, नहीं भी हो तब भी इसमें थ्री से गुणा करो, इसमें टू से तब घटाओ, थोड़ा सा कठिन कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है. तो हम यहां पे C1 को C3 से इंटरचेंज कर लें तो थोड़ा सा काम हमारा आसान होगा. दिस इज माइनस वन सिक्स और ये फाइव, ठीक है, दिस इज टू टू फोर, टू टू फोर, और दिस इज थ्री फोर और ये सेवन, ठीक है. एक छोटा सा काम आप और कर सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज सॉरी C2 में C2 डिवाइडेड बाय 2, किसी भी कॉलम या रो में नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो माइनस वन सिक्स और ये फाइव, ठीक है, दिस इज वन और दिस इज टू एंड दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज सेवन, ठीक है. अब आपका वर्क आसान होगा, ठीक है, यहां पर दिस इज सिंबल ऑफ इक्विवेलेंट, दिस इज C2 में C2 माइनस C1, ठीक है, सॉरी C2 प्लस C1, और C3 में C3, C3 और प्लस 3C1, जो कि ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस 1, 6 और ये 5, ठीक है, तो ये 1 माइनस 1, 0, ठीक है, और ये 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 करोगे तो 7 हो जाएगा, और 2 प्लस 5 करोगे तो ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है. अब देखो 2 प्लस 5 करोगे तो ये भी 7 हो जाएगा, यहां देखो दिस इज 0 और 4 4 4 4 4 करोगे और ये 3 6 18, तो 18 और 4, 18 और 4 का मतलब हो जाएगा, 18 और 4 का मतलब हो जाएगा दिस इज 22, दिस इज 20, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 22, ठीक है, करके देखिए 22, ठीक है, 22 हो गया. फिर यहां पर आप बढ़ेंगे तो ये 7 है, 7 और 5 3 जा 15, 7 और 5 3 जा 15, तो 15 और 7 अगेन 22, एक बार जरा हम इसको चेक कर लें, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है. ये आपका सीधे सीधे 5 दिख रहा था तो ये तो 5 आपका है ही है, ठीक है, इसको हमने इस प्लेस पे लाया 5, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं. अब जरा फिर से प्रयास हमारा, दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब इसको जीरो करो और इसको जीरो करो और माध्यम ऊपर वाले को बनाओ, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है. तो इसलिए कि डायगोनल ढूंढना है ना, ठीक है, तो यहां पर R2 में दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, R2 और R2 और प्लस 6R1, ठीक है, और R3 में दिस इज R3 प्लस 5R1, ठीक है, तो बाकी दो तो जीरो है, कोई इफेक्ट ही नहीं डालने वाला है, ठीक है, तो दिस इज माइनस वन, दिस इज जीरो, यूनिक आएगा रैंक, ये नहीं कि कोई और किसी और से लगा किसी और तरीके से निकाला तो रैंक वैरी कर जाएगा, रैंक हमेशा यूनिक होता है.
this is 0, this is 7, this is 22, this is 0, this is 7, this is 22. Again we transform, this is, इन दोनों को 0 इसके सहायता से कर सकते हो, जो कि तो दिख ही रहा है 0, तो R3 में, this is R3 minus R2, आप 0 होते हुए रोकेंगे नहीं, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना कैलकुलेशन, एक टाइम आएगा उसके बाद कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, तो दिस इज माइनस वन जीरो 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 सेवन ट्वेंटी टू, दिस इज जीरो जीरो जीरो, ठीक है, क्या कर सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा यहां पे गौर करिएगा, दिस इज सी टू, दिस इज सी टू में सी वन में सी वन में सी वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, सी टू में सी टू डिवाइडेड बाई सेवन, सी थ्री में सी थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू, दिस इज वन जीरो 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 वन जीरो जीरो सॉरी जीरो वन जीरो, आप इस वन को जीरो कर सकते हैं, करिए, जब आप इस वन को जीरो करेंगे तो यहां पर सी थ्री में सी थ्री माइनस सी टू, ठीक है, तो दिस इज वन जीरो 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 वन जीरो 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 जीरो, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, दिस इज आई टू स्लैश जीरो स्लैश जीरो स्लैश जीरो एंड विच इज नॉर्मल फॉर्म, इसी को आप लोग मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म, और इसमें रैंक कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी के ऑर्डर के बराबर, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर किसके बराबर है, दो के बराबर, तो रैंक दो, देखिए बहुत सिंपल उद्देश्य था हमारा इसमें सबसे खास बात की रो और कॉलम दोनों का इस्तेमाल हो सकता है, तो हमारे लिए काम ज्यादा आसान हो गया, लेकिन हमें ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट, तो हमने C1 और C3 को चेंज कर लिया, ये वन दिख गया, इसको जीरो करिए इसके माध्यम से करिए, ठीक है, तो कॉलम ऑपरेशन यूज करते हुए हमने ये काम किया, इसमें टू से डिवाइड कर दिया था तो ये जीरो हो गया, उसके बाद ये जीरो करिए इसका इस्तेमाल करते हुए जीरो दिखा, उसके बाद आप ये दोनों सेम एलिमेंट है, इसको जीरो कर सकते हो, इसको भी जीरो कर सकते हो, लेकिन फिर इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो इसको जीरो किया तो पूर्ण जीरो, इसमें माइनस वन से डिवाइड किया, सेवन से डिवाइड किया, ट्वेंटी टू से, और फिर इसको घटा दिया, तो मैक्सिमम ये अब वन, ये जीरो नहीं हो सकता, ये भी जीरो नहीं हो सकता, तो ऑर्डर जो है टू क्रॉस टू की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, और इस आइडेंटिटी के ऑर्डर के बराबर ही दिए गए मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, रैंक, तो रैंक ऑफ ए जो है किसके बराबर हो जाएगा, टू के बराबर, या फिर एक दूसरा तरीका इसका डिटरमिनेंट निकालना, वो जीरो आएगा, सेकंड ऑर्डर के माइनर पे जाओगे तो उस कंडीशन में भी वो जो है उसका जो सेकंड ऑर्डर का माइनर होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, कोई एक, तो उसका रैंक जो उसके बराबर हो जाएगा, तो ये नॉर्मल फॉर्म्स है, वो डायरेक्ट तरीके की मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और यहां पे कंसीडर करने जा रहे हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो हम देखते हैं कैसे उसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, देखिए है कुछ नहीं, बस आपको अपने कैलकुलेशन को बड़ा दुरुस्त रखते हुए काम को करना है, अगर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो आप आसानी से चीजों को हैंडल कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है, अब थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड भी होना चाहिए कैलकुलेशन में कि हमारा जो लाना है हम उस रास्ते से चले, ठीक है, एक पैटर्न फॉलो करिएगा और आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू अगर हम ले लें, ए इज इक्वल टू दिस इज माइनस वन माइनस थ्री और दिस इज थ्री और दिस इज माइनस वन, ठीक है, दिस इज वन दिस इज वन दिस इज वन दिस इज माइनस वन दिस इज जीरो, ठीक है, नेक्स्ट वन इज दिस इज टू दिस इज माइनस फाइव दिस इज टू एंड दिस इज माइनस थ्री, नॉर्मल फॉर्म से लगाना है, ठीक है, अब इसको जीरो करो इसको जीरो करो इसको जीरो करो, माध्यम सी वन को बनाओ, तो सी टू में दिस इज सी टू माइनस थ्री सी वन, ठीक है, सी थ्री में दिस इज सी थ्री प्लस थ्री सी वन और सी फोर में दिस इज सी फोर माइनस सी वन, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव, माइनस वन वन टू, ऐसा नहीं आप पहले रो भी इस्तेमाल कर सकते थे, तो ये दोनों जीरो करते फिर बाद में इसको जीरो करना शुरू करते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जीरो यहां देखिए सी टू माइनस थ्री तो दिस इज माइनस टू, फाइव माइनस फाइव और माइनस सिक्स माइनस फाइव और माइनस सिक्स माइनस इलेवन, ठीक है, दिस इज जीरो
और ये माइनस वन और प्लस थ्री प्लस टू और टू टू प्लस सिक्स, टू प्लस सिक्स का मतलब हो जाएगा एट। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है। यहां पे देखिए माइनस वन और प्लस वन जीरो, जीरो माइनस वन माइनस वन, दिस इज अ माइनस वन, ठीक है, और माइनस थ्री और माइनस टू माइनस फाइव। ये आइडेंटिटी का पहला रास्ता आप क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब खट से इसको इसको जीरो कर लो, माध्यम बना लो ऊपर वाले को, मतलब आर वन को। तो आर टू में, दिस इज आर टू में, आर टू प्लस आर वन कर दो, ठीक है, और आर थ्री में, आर थ्री में दिस इज आर थ्री और प्लस टू आर वन कर लो, ठीक है। तो और कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं क्योंकि सब जीरो है। तो माइनस वन जीरो जीरो जीरो, जीरो माइनस टू टू माइनस वन, दिस इज जीरो एंड दिस इज माइनस इलेवन एट और ये माइनस फाइव, ठीक है। अब देखो, अब इसको जीरो कर, इसको भी जीरो कर सकते हो क्योंकि आईडी ढूंढना है। एक बार और काम कर लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम, ठीक है। और दिस इज आइडेंटिकल टू, देखो कुछ और आसान कर सकते हो, इसमें टू से डिवाइड कर लो, तो थोड़ा सा आसान, लेकिन कोई जरूरत नहीं है टू से डिवाइड करने का, ठीक है। दिस इज माइनस वन जीरो जीरो जीरो, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, दिस इज आर थ्री में, आर थ्री में, आर थ्री में दिस इज टू आर थ्री माइनस इलेवन आर टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इज जीरो माइनस टू, दिस इज टू, दिस इज माइनस वन, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, ठीक है। टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू एट जा सिक्सटीन हो जाएगा, टू एट जा सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू मतलब ये हो जाएगा आपका सिक्स, तो दिस इज माइनस सिक्स, ठीक है। यहां देखिए माइनस, यहां देखिए ये हो जाएगा माइनस टेन और ये प्लस इलेवन, तो दिस इज प्लस वन, दिस इज प्लस वन, ठीक है। एक काम थोड़ा सा आसान हो सकता है, हम करें क्या, C2 में डिवाइड कर दे C2 अपॉन माइनस टू से और C3 में डिवाइड कर दे C3 अपॉन टू से। तो माइनस वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो और ये जीरो वन, दिस इज माइनस थ्री और ये जीरो माइनस वन वन, ठीक है। इसको जीरो करो, इसको जीरो करो, माध्यम बना लो C2 को, ठीक है। C2 को जब माध्यम बनाओगे यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका C2, C3 में दिस इज C3 माइनस C2 और C4 में दिस इज C4, C4, C4 प्लस C2, ठीक है। तो माइनस वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, दिस इज जीरो जीरो और ये माइनस थ्री, दिस इज जीरो जीरो और ये प्लस वन, ठीक है। और भी काम हो सकता है, आप जो है इसको जीरो कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं और इसमें आप थ्री से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं, दिस इज, नाउ दिस इज सी वन डिवाइडेड बाई माइनस वन और सी थ्री डिवाइडेड बाई माइनस थ्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन। अब देखो ये आखिरी वाला पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, जब आखिरी वाले को जीरो करोगे, मैं यहां कैलकुलेशन कर रहा हूं, जब आखिरी वाले को जीरो करोगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको करना होगा, गौर करिएगा, दिस इज सी फोर में सी फोर माइनस सी थ्री, ठीक है। तो वन जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो जीरो एंड दिस इज जीरो जीरो वन जीरो, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, दिस इज आई थ्री स्लैश जीरो, क्योंकि नीचे तो जीरो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो ये मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म हो गया। आइडेंटिटी का ऑर्डर थ्री है तो रैंक ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, थ्री के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होगा नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए, ठीक है। बहुत सोच समझ के अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करिएगा, अदरवाइज क्वेश्चंस गलत होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली आप अगर पहले आप चाहो तो कॉलम ऑपरेशन ले सकते हो, फिर रो ऑपरेशन, या आपकी मर्जी, आप पहले रो ले लो फिर कॉलम ले लो,
कुल मिला के आइडेंटिटी का उद्देश्य बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं, उनको आप करने का प्रयास करिएगा। वैसे क्वेश्चन तो कोई भी हो, बहुत ज्यादा इसमें मतलब क्वेश्चंस क्या मतलब तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस ले आए, क्वेश्चन नंबर 3, a इज इक्वल टू दिस इज 0 1 2 0, दिस इज 0 1 2 1 2 -1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 0 1 1, ठीक है, 1 0 1 1, और ये 3 दिस इज 3 1 0 2, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 1 1 1 1 -2, और ये 0, ठीक है। सबसे पहली बात कि इस कॉलम को इस कॉलम से चेंज कर लेना, तो यहां -1 दिख जाएगा। अब इसको जीरो करना, इसको जीरो करना, ये ऑलरेडी जीरो होगा। उसके बाद इसको जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो, अपने आप जब कैलकुलेशन करोगे तो अपने आप रास्ते दिख जाएंगे, और इसका जो आंसर आ रहा है रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मतलब ये 4x4 की मैट्रिक्स है, तो i3 जीरो जीरो स्लॉट बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिए जिसको आप कोशिश करिएगा, a इज इक्वल टू हमने लिख लिया, दिस इज इक्वल टू -2 -1, इसे नॉर्मल फॉर्म से करना है, 3 -1। आप नॉर्मल वाले इकलान फॉर्म को भी नॉर्मल फॉर्म से करिएगा, मतलब एग्जाम में जो भी कैलकुलेट करेंगे दिया रहेगा उसके अनुसार करिएगा। कुछ नहीं दिया है तो आप किसी भी मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज -3 और दिस इज -1, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 1 0 1 0 और दिस इज 1 1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट, दिस इज 0 1 1 0 1 1 -1। 4x4 की मैट्रिक्स है, इसमें कन्वर्जन करने का प्रयास करना होगा। यहां पे देखिए, आप इसको इसको इंटरचेंज कर लीजिएगा, फिर इसको जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो माध्यम C1 से, फिर इसको जीरो, फिर इसको जीरो, ये तो ऑलरेडी जीरो, अपने आप आइडेंटिटी दिखेगा, और इसका भी जो रैंक आ रहा है वो भी 3 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आप इन सवालों को प्रयास करिएगा, अगर आप प्रयास करेंगे तो आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन रहेंगे तो आप उसको कोशिश तो करेंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू दिस इज 5 5 3 14 4, ठीक है, 14 4, दिस इज 0 1 0 1 और दिस इज 2 1, ठीक है। नेक्स्ट 1 -1 -1 2 0, सबसे पहले इसको 1 कर लेना, इसके लिए R3 को R2 से चेंज कर लेना, ठीक है, सब चेंज है। उसके बाद इसको जीरो करना, इसको जीरो करना, इसको जीरो कॉलम ऑपरेशन से, फिर ये जीरो हो जाएगा, तो इसको जीरो करना, ये तो ऑलरेडी जीरो है, फिर अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे जैसे जैसे आप आगे करेंगे। दोनों ऑपरेशन का यूज कर, लेकिन इकलान फॉर्म में दोनों का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, ठीक है। यहां पर जो इसका रैंक आएगा वो भी 3 के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को रिजोल्व कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म से, आसान है ये दोनों फॉर्म, बहुत आसान है। बस इकलान फॉर्म में केवल रो ऑपरेशन का यूज करते हैं, और नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म में आप साइमल्टेनियसली रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन या दोनों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। इकलान फॉर्म के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो उसका रैंक कहलाता है, और नॉर्मल फॉर्म के अंदर आइडेंटिटी का जितना ऑर्डर होता है वही उस करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट आगे हम लोग जो है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। इसी नाते रैंक का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटरमीडिएट में तरीका था ए इनवर्स वाला पैटर्न, उससे और कन्वीनियंट मेथड आपको मिला कि आप उसको देख के पता लगा सकें कि उसके पास यूनिक सोल्यूशन मिलेगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा कि सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग रैंक की सहायता से ये काम करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।